दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गणेश पुजारी। वेलकम टू माय चैनल। लाइफ में कुछ चीज़ों में ऑप्शन होता है और कुछ चीज़ों में ऑप्शन नहीं होता है। काम करना एक ऑप्शन नहीं है। हम सबको काम करना पड़ता है, सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, जीने के लिए पैसा का बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हम बहुत सारे जगहों में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, बहुत डिफरेंट जगह में काम करते हैं। लेकिन एक ही जगह में काम करना ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी जॉब चेंज करते हैं, अच्छा सैलरी के लिए जॉब चेंज करते हैं, करियर के लिए जॉब चेंज करते हैं, ये सब हमारा पास ऑप्शन है। मैं HR में 15 साल का टाइम स्पेंड किया हूँ। वो एक्सपीरियंस से मैं कुछ हज़ारों से ज़्यादा इंटरव्यू किया हूँ और मैं भी खुद बहुत सारे इंटरव्यू दिया हूँ। तो वो एक्सपीरियंस से मैंने सोचा 10 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो टेक्निक है हमको इंटरव्यू जाने से पहले याद रखना है, याद करना है और कभी कभी इंटरव्यू में यूज़ करना है, वो टेक्निक शेयर करने का मैंने सोचा। ये एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है, इसको आगे भी मैं लेके जाता हूँ, लेकिन पहला 10 जो भी मेरा मन में आया बहुत इंपॉर्टेंट है उसको वो ये सेशन में मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला वाला है बी इन टाइम। जब भी एक इंटरव्यू जाना चाहते हैं वो कंपनी को, नहीं तो ऑफिस को, नहीं तो फैक्ट्री को इन टाइम पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन टाइम पहुँचते हैं वो कंपनी को लगता है आपको ये जॉब को वो जॉब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वो आपका कंपनी को लगता है। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो कंपनी को लगेगा ये सीरियस नहीं है। टाइम पे मतलब अगर 10 बजे का इंटरव्यू है 10 बजे नहीं पहुंचना, 9:45 को पहुंचना, 15 मिनट पहले पहुंचना। अगर आप सिटी में रहते हैं बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ऐसे सिटी में रहते हैं तो आप बफर टाइम भी रोड के लिए रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका घर से वो कंपनी को 1 घंटा का ट्रैवल टाइम है, वेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू कीप 1.5 आवर फॉर ट्रैवल ओनली और 15 मिनट एक्स्ट्रा वो कंपनी में पहुंचने के बाद भी फ्री रखना। क्योंकि अगर कुछ फॉर्मेट फिल करना है, नहीं तो आपको फेस वॉश करना है, वॉशरूम यूज़ करना है, अगर आपका कपड़े गंदे हो गए, थोड़ा इनशर्ट टिकटॉक करना है, हेयर स्टाइल बनाना है, वो सब के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। इसके लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आप पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इन टाइम इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सेकेंड वन, नीट एंड क्लीन। जो भी है, आप जैसे भी है, अच्छा शेव करना, नीट हेयर कॉम करना और जितना अच्छा आप लग सकते हैं उतना अच्छा लगना, और आपका जो भी बेस्ट फॉर्मल ड्रेस है वो ड्रेस में आप जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको देखते ही एक इंप्रेशन आ जाएगा, अगर आप दाढ़ी शेव नहीं किया ऐसे ही गए हैं तो आपके ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन आ जाएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसको मिटाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए कभी भी एक इंटरव्यू जाते हैं बहुत सीरियसली, सिंसियरली, नीट एंड क्लीन जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, मैं ये बोलता हूँ दिस इज हार्ट ऑफ एनी इंटरव्यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन। जब भी एक HR ने आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है सेल्फ इंट्रोडक्शन करने के लिए, ये आपके पास ये नहीं पूछ रहा है आपका लास्ट कंपनी का नाम क्या है। कभी भी मैं देखता हूँ जब भी आई आस्क कैंडिडेट्स टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो सीधा जाते हैं लास्ट कंपनी, यहाँ पे मैं काम कर रहा था और मेरा डेसिग्नेशन ये था, मेरा सैलरी ये था। नहीं, दैट वॉज नॉट माई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है आपका बारे में बोलो, हु आर यू, मतलब आप कौन है, आपका बारे में बताओ बोले तो। यू हैव टू टेल कहाँ से आया आपने, आपका फुल नाम क्या है, आपका फैमिली का बारे में थोड़ा कुछ बता देना, एजुकेशन आपके कहाँ कहाँ किया, कुछ हाईलाइट्स एजुकेशन का बारे में, जॉब कहाँ कहाँ पे किया, अगर जॉब में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं तो बता देना। दिस इज द प्लेस, यहाँ पे आप लीडिंग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या है मैं आगे बताता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पूरा आप प्रिपेयर करके बाहर करके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 5 मिनट जो भी आपको मिलेगा, ये आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो भी है, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करके जाके आप एक इंप्रेशन बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कभी भी याद रखना। आई कॉल दिस एज हार्ट ऑफ इंटरव्यू, ये एक इंटरव्यू का हृदय भाग जो भी है वो ये है। एंथुजियाज्म और नीड ऑफ जॉब आप कभी भी दिखाना, पूरा इंटरव्यू में आप एंथुजियाज्म रखना, ये एक उनको लगना जो भी इंटरव्यू कर रहा है इसको ये जॉब चाहिए, ये बहुत सीरियसली ये इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, हर क्वेश्चन को बहुत ईगरली आंसर कर रहा है, मतलब इसको पूरा ये जॉब का एक इंतज़ार है, इसको ज़रूरत है, वो आप कभी भी दिखाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन डिटेल्स अबाउट द कंपनी, आप जो भी कंपनी को इंटरव्यू जा रहे हैं वो कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, वो कंपनी का वेबसाइट ढूंढना, उसका कस्टमर्स कौन है, उसका कंपटीशन कौन है, मार्केट में उसका जगह क्या है, उसका आगे आने वाला बिजनेस क्या है, नहीं तो पीछे उनका लैंडमार्किंग जो भी अचीवमेंट है वो क्या है, वो सब पढ़ के जाना, तो आपके पास मटेरियल रहेगा, कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ये कंपनी क्यों है, तब आप
एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं, इस कंपनी को ये अवार्ड आया था, दे आर नंबर वन इन दिस, दे हैव वेरी गुड एम्प्लॉय पॉलिसीज, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सो मेनी पीपल, ऑल दिस विल हेल्प यू टू फ्रेम योर आंसर। इसके लिए आपको कंपनी का बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग बहुत गौर से आपको सुनना पड़ता है इंटरव्यू में, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन मिस किया, नहीं तो क्वेश्चन कुछ दूसरा था, आंसर और कुछ हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आप पूरा कंसंट्रेशन देना, पूरा इंटरव्यू में आपका मन पूरा वहीं पे रहना, इधर उधर आप सोचना नहीं, पैनल को देखना, कंसंट्रेशन करना, और जब भी दो तीन लोग एक ही बार क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक करके आप आंसर देना, और कभी कभी बोलना कि आई एम पार्किंग योर क्वेश्चन हियर, आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड विल कम देयर, लाइक दैट आप जो भी बोल सकते हैं वो बोल के क्लियरली आगे जाके उसको भी आंसर देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाद में क्रिएट लीडिंग क्वेश्चन, ये इंटरव्यू जीतने का एक बहुत फैंटास्टिक मेथड है। अगर आपको क्रिएट लीडिंग क्वेश्चन क्रिएट करने को आता है, आप इंटरव्यू को 80% डोमिनेट कर सकते हैं। कैसे करना और व्हाट इज क्रिएट लीडिंग क्वेश्चंस, अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपको बोलता है कि इंटरव्यूअर ने आपका बारे में बताना, तो आप बोल रहे हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं एजुकेशन यहाँ पे किया, मैं बाद में ये बी सी कंपनी में काम किया। अगर आप पूछेंगे, मतलब यू आर आस्किंग हिम टू आस्क, ओके, पूछेंगे मेरा हिसाब से कंपनी बी इज द बेस्ट कंपनी आई हैव वर्क फॉर, क्योंकि यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग प्रोफाइल था, चैलेंजिंग आप स्ट्रेस कर रहे हैं, दो एस्पेक्ट आप स्ट्रेस कर रहे हैं। एक है अगर आप पूछेंगे मेरे पास, मतलब आप बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन मेरे पास पूछो, और आप हिंट भी दे रहे हैं क्या है, बी कंपनी इज द मोस्ट चैलेंजिंग, तो उनको एक वर्ड मिलेगा इंटरव्यूअर को, क्या है, बी कंपनी में इसका पास बहुत चैलेंजिंग जॉब था, वो डेफिनेटली आपके पास पूछेगा बी कंपनी में आपको चैलेंजिंग रोल मिला था बोला आपने, वो क्या है, देन इट इज़ योर अपॉर्चुनिटी। मतलब आप जो भी बोलेंगे उसका क्वेश्चन आपको आ रहा है, मतलब उसका आंसर भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, जस्ट लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये लीडिंग क्वेश्चन जो भी क्रिएट करते हैं उसका आंसर आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, और जितना लीडिंग क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे उतना आप इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। ये टेक्निक हर बार 100% काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर्स ने उनका खुद क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, तब आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लीडिंग क्वेश्चंस कभी भी आपका मदद आ सकता है। इसके लिए आप कभी भी एक क्वेश्चन को आंसर देते देते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिसाइड करके वो पूछने के लिए आप करवाना, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्रिएटिंग लीडिंग क्वेश्चंस। नाउ बॉडी लैंग्वेज एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका इंटरव्यू का पूरा टाइम आप एक अच्छा तरीके से बैठना, वेन एवर यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू शेक हैंड, एक कंफर्टेबल शेक हैंड देना, आई कॉन्टैक्ट रखना, सबको देखना, अगर तीन चार लोगों का पैनल है लेफ्ट राइट सेंटर सबको देखना, और आई कॉन्टैक्ट मतलब इतना घूरना भी नहीं, लाइक कभी कभी देखना, देन लुक एट द अदर पर्सन, वो सब करना। और वर्बल कम्युनिकेशन, आपको जो भी लैंग्वेज स्ट्रांग है उसमें आप क्वेश्चन आंसर देना, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका हाथों का आप क्लियर यूसेज करना, और आंखों का भी आप ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन इंटरव्यू करने वाला इंग्लिश में पूछ रहा है, आपको हिंदी में वेरी कंफर्टेबल है, तो आप बोल सकते हैं ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे पूरा पता है लेकिन इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, कैन आई आंसर इन हिंदी, आप पूछ सकते हैं, मतलब इंग्लिश में पूरा जॉब नहीं होता है, हिंदी में भी हो सकता है, तो आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट करना उनसे, मैं कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर इंटरव्यूअर जेन्यून है तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा, अनलेस यू आर वर्क गोइंग टू वर्क इन यूके और सम इंग्लिश कंट्री। नाउ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये आपको दो बात याद रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी आपका करंट कंपनी नहीं तो प्रीवियस कंपनी का नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। आप किसी को भी आपका कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना, करंट भी हो सकता है, प्रीवियस कंपनी का भी हो सकता है, एक एथिकल इशू है। और दूसरा बात यह है, ये इंटरव्यू करने वाला आपको चेक भी कर सकता है, मतलब एक कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पूछ के अगर आप उनको आंसर देंगे तो उनको ये पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते हैं, आप किसी और को बता देते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट करने का चांसेस भी है। आप उधर क्लियरली बोल देना, सर द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी, प्रिसाइज टर्न ओवर ऑफ द कंपनी इज अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आई कैनॉट गिव दैट, बट अप्रॉक्सीमेटली आवर टर्न ओवर इज दिस। सो अप्रॉक्सीमेट तो सबको पता चलता है कंपनी का वॉल्यूम देख के, वो आप बता सकते हैं। इफ़ यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर बिजनेस प्लानिंग टीम, अगर आप बोलते हैं 537 करोड़, दैट्स अ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, आप बोल सकते हैं 500 to 600 करोड़ हमारा बिजनेस है, तो वो एक जनरल आंसर हो गया, तो दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज। जब आप बोलेंगे सर ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है मैं नहीं बोल सकता हूँ, आपको एक प्लस मार्क मिलने का चांसेस भी है, बिकॉज उसको पता चलता है ये आदमी क्वाइट सेंसिटिव है।
देन नो नेगेटिव थॉट्स अबाउट करेंट कंपनी पीपल कलीग्स, किसी का बारे में जितना हो सके उतना किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। करंट कंपनी हो सकता है, प्रीवियस कंपनी हो सकता है, करंट मैनेजर हो सकता है, आपका कलीग्स हो सकता है, किसी के बारे में अगर नेगेटिव बोलेंगे तो द पर्सन जो भी इंटरव्यू कर रहा है उसको लगता है ये आज किसी और का बारे में बोल रहा है, मतलब मेरा बारे में कल बोल सकता है, ये एक थॉट डेफिनेटली आ जाएगा। इसके लिए कभी भी किसी का बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलना, जितना हो सके 99% ये अवॉइड करना। अगर कंपनी क्लोज हो रहा है कुछ ऐसा रीजन से आप जॉब छोड़ रहा है तो इफ इट इज नोन टू द मार्केट आप बोल सकते हैं मेरा कंपनी क्लोज हो रहा है, बहुत बिजनेस डल है, इसके लिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, दैट दे आर एक्सेप्शनल कंडीशंस। विद दैट आई एम कंक्लूडिंग, व्हेन आई एम सेइंग आई एम कंक्लूडिंग दिस इज नॉट अ कंक्लूजन, आई एम गोइंग टू कम विद लॉट ऑफ वीडियो सीरीज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये एक पहला वीडियो बोल के सोचना, आई विल कम अप विद टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ईगोस क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे डिस्कस करने के लिए आगे आ रहा हूँ। मुझे देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपको आपका नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा होना यही सोच के मैं आपको विदा देता हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।